बाहर से गया वो ऐसा लग रहा है बांध दूंगी अभी उतारता हूँ। आज भी पहली बार रहता हूँ यार यार। ये ट्रेंड देख के तो मुझे यही लग रहा है ज़्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि यहाँ आ रहे हैं डे वन, यहाँ स्टे कर रहे हैं, फिर डे टू यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। बट हमने 6:45 पे ट्रैक स्टार्ट किया था, 9:20 हो चुका है, 20-25 मिनट में 3 घंटे हो जाएंगे कंप्लीट। और अभी यहाँ से बता रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर और है और एक स्टीप चढ़ाई है, मतलब जो अभी आई है वो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा एक पैच है जो बहुत तगड़ा चढ़ाई है। तो देखो कितना टाइम लगता है, क्या बढ़िया हो रही है, स्ट्रांग हुई थी। अच्छा चलो नाइस, जैसी चाहिए थी मुझे लो। मैं नहीं पी रहा हूँ, बहुत अच्छी। अपन ऐसे जाएंगे बूम 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 करते हैं। ये ट्रैक में लिपस्टिक की फोटोज अच्छे हैं, बताइए कोई बात हुई क्या? नहीं बताइए, डैडी बताइए। चले लाटा, चल मेरे लाटा। चलिए भाई 9:34 हो चुका भाई। अच्छा भाई लोग हैं कक बिटी जाना है वही से इतना भारी नहीं था, इसमें मम्मी की जैकेट आ चुकी है। वो जैकेट बहुत भारी है। तो भैया यहाँ चाय थी 20 रुपए की एक, जो कि सही है इस पॉइंट पर आके आपको चाय मिल रही है वही बहुत है। नीचे तो जहाँ होटल में रुके थे वहाँ 40 रुपए की चाय थी। बट यार उनको भी अपना खर्चा पानी कहीं ना कहीं से तो निकालना ही है, इतनी हाइट पे आके उन्होंने इतना बेहतरीन रिजॉर्ट बना रखा है, वही बनता है। उनका उतना पैसा भी तो लगा होगा डैडी कंस्ट्रक्शन। वो सीजर टर्न्स दिख रहे हैं वो पकड़ने, चले चलो चले चलो। जो भी आना चाहता है इस ट्रैक पे, ये चीज़ समझ के चलो लगातार आपको इंक्लाइंड रूट ही मिलेगा, कहीं भी प्लेन लैंड ऐसा कुछ नहीं था अभी तक, एटलीस्ट जितना मैं अभी तक आया हूँ। बरनाला तक आपको प्रॉपर इंक्लाइंड पाथ ही मिलने वाला है, पूरा ऊपर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है वही सीन होने वाला है, बट आगे चल के मैं बता दूंगा। बट जो भी आना चाहता है देख लो भाई, रास्ते कुछ ऐसे हैं। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए व्यूज़ हैं कुछ ऐसे प्यारे प्यारे, ऐसे छोटे मोटे बुग्याल भी हैं। और ये देखिए, ये फंक्शनल इग्लूज़ नहीं लग रहे मुझे, खिड़की टूट रखी उसकी, ये देखो पता नहीं किसने बनाए होंगे कभी, बट वो इतना चले नहीं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो भी ट्रैक के लिए आते हैं अपने टेंट्स लेके आते हैं, टेंट अपने गाड़ते हैं ऐसी ही किसी जगह पे। बट भैया लोग तो बोल रहे थे कि आप बड़ी जल्दी आ गए, तो फिर भी हम सही पेस से चल रहे हैं, इसका मतलब सही है। चले खुशी के पल, एक बढ़िया नज़ारा, एक बढ़िया बुग्याल, लुक एट दिस। हाँ इसे बोलते हैं भाई बुग्याल, थोड़ा फ्लैट से ग्रीनरी ग्रीनरी। हाँ लेट्स गो भाई, बेहद खूबसूरत सीनरी। और एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ दिखी है, गवर्नमेंट ने बनवाया जिसने बनवाया, बट इतनी हाइट पे आके इतना खूबसूरत मंदिर बना रखा है नागराज भगवान जी का, भाई अमेजिंग। टाइम हो रहा है 9:59 भाई। मछली देखो कितनी बड़ी मछली है, ओ तनु, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर ऊपर आके आप देख जाएगा ये मंदिर और ये बेहतरीन तालाब जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं भाई, खतरनाक भाई। ऐसा कुछ है मंदिर अंदर से, कोई नहीं आया पता नहीं यहाँ कितने टाइम से, स्टिल भाई इतनी बड़ी मछली, मतलब यहाँ प्रसाद चढ़ता रहता है तभी वो प्रसाद खा के मछली इतनी बड़ी बड़ी हो रही है। हम बिना गाइड के आ गए, बिना गाइड के हमेशा चलते हैं इसी में, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई साहब चांद भी दिख रहा है, बड़ी देर तक दिख रहा है, आ जाइए लेट्स गो लेट्स गो। ज़्यादातर लोग गाइड लेके आते हैं, मतलब जो गांव के लोकल होते हैं वही कोई गाइड होता है वो लेके आते हैं, तो वो अच्छे से नेविगेट कर लेते हैं बस। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ माइलस्टोन वगैरह या सच कुछ भी उन्होंने एरो वगैरह नहीं लगा रखा, तो ये दिक्कत हो रही है कि हमने जाना किस साइड है। जहाँ चाय पी थी उन्होंने बोला कि जो छतरी आएगी उससे राइट जाना है, तो वापस एक पगडंडी टाइप आपको मिल जाएगी पैदल रास्ता चलने के लिए, तो छतरी वो रही, तालाब अपना ये रहा, मंदिर ये रहा, यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ राइट की साइड में। लेट्स सी
भाई जस्ट लुक एट दिस व्यू, पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है, सुंदर सा मंदिर दिख रहा है, सुंदर सा तालाब दिख रहा है, और ये सो कॉल्ड छतरी भी दिख रही है इस शॉट में। रियली नाइस यार। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं समझा पाऊंगा कभी कि यार बोला ले छोड़ा है भाई, मतलब मैं ज्यादा डिंग नहीं आ पाऊंगा, मैं 5 बजे उठता हूँ। मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ यार, मैं दूसरे को बताऊंगा कैसे, यार यार हम तो 5 बजे उठ के प्राणायाम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते ना। लेट्स गो। ओह माय गॉड, दिस लेडी इज रनिंग। ओह माय गॉड, कैमरे में दिखाने के लिए सबका सब भाग रहे हैं। भाई एक तालाब यहाँ भी था, चलिए पानी को तलाऊ, पानी को तलाऊ। पतली कमर छोरी, पतली कमर कमला, ना 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 ना, ननु मामा की साली इस कमला गोरो रंग तेरो रे, ननु मामा की साली। इस पगडंडी पे चलना है भाई हमने, मम्मी बोल रही है इस पहाड़ी के पीछे हम भुग यार। ओह माय गॉड, इतना किसने क्या होगा, खच्चर इतना दरी, क्या बात कर दी आप। आगे जरा इंटेंसिटी देखो, किस इंटेंसिटी से किया गया है। तो भाई ऐसी थोड़ी बहुत जब ऊंचाई में आते हो आप, तो इतने प्यारे प्यारे से फूल आपको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, जगह जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत। भाई एक और लंगूर की फौज, बढ़िया इन्होंने करतब दिखा रखा है यार। अब पता है कहाँ तक जा रखे हैं, टॉप तक जा रखे हैं, वो देख लो। ओ तेनु भाई साहब, हमने लिया था एक शॉर्टकट, शॉर्टकट आ रहा है यहाँ से और मेन रास्ता आ रहा है यहाँ से, तो इस शॉर्टकट को हम अब यहाँ आ जाएंगे। इतने पतले से रास्ते पे थोड़ा सा टफ रहता है शॉर्टकट, बट बहुत लंबा रास्ता बच जाता है। ये देखो पूरा घूम के आ रहा था वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, और वहाँ कनेक्ट हुआ था, और ये हम यहाँ से आगे सीधे सीधे। नजीक तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 10:34 भाई, इन 9 मिनट्स हमें हो जाएंगे पूरे 4 घंटे इस ट्रैक पे चलते हुए। अंदाजा था 3 घंटे, फिर रात को जब बातचीत हुई लोकल लाइट्स ने बताया टाइम लगता है, तो हमारा हुआ मैक्स टू मैक्स 4 घंटे, और अब 4 घंटे पूरे हो चुके हैं, बट हम अभी तक नहीं पहुँचे। मेरे मोबाइल के अनुसार 7.5 किलोमीटर्स हम चढ़ चुके हैं अभी, और 8 किलोमीटर्स का रास्ता होता है जितना बताया गया, तो ज़्यादा नहीं बचा है, 1 किलोमीटर मुश्किल से रास्ता देख लो। ऐसा है काफ़ी अच्छा खासा टफ ट्रैक है, काफ़ी टफ है ट्रैक ये। ट्रैक जिसने कर लिया आउट से, आप रुद्रनाथ का भी ट्रैक आराम से कर लोगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा बट कर लोगे, क्योंकि ये आसान ट्रैक नहीं है भाई। चलो चले नीले गगन को। भाई ये लास्ट में एकदम स्टीप हो चुका है, ये देख लो भाई साहब, एंड में हालत ख़राब हो रही है। खड़ी चढ़ाई खड़ी, क्योंकि तो ऐसा लग रहा है कि एंजॉय करने आए हैं, किसी ने सजा में भेज रखा। क्या से क्या हो गया, हो गए अब। खैर अब 300-400 मीटर ही रह गया होगा मुश्किल से, तो अपने लास्ट लेग का ही, हाँ लास्ट सलाम चेक पॉइंट पे हम पहुंचने वाले, लास्ट लीग, उसके बाद 1-2 घंटा आराम करेंगे वहाँ, थोड़े नज़ारों के मजे लेंगे, नज़ारे मिल लेंगे, फोटो खींचेंगे, लेटेंगे ऐसी दीवार में, और फिर वापसी की दौड़। अभी तक हम जिसे चढ़ाई समझते हुए आ रहे थे कि वो मेन चढ़ाई होगी, वी वर स्लाइटली मिस्टेकन, असली चढ़ाई वही है। कैमरे में इतना नहीं दिख पा रहा है, बट भाई ट्रस्ट मी मैंने सीधे चढ़ाई है। नाइस यार, नज़ारा तो बढ़िया है, वेरी स्लो हो चुके हैं। 11:16 हो चुका है, बट इस रास्ते का अंत नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत पैर मेरे भी दर्द होने लगे, घर वालों की तो पता नहीं क्या हालत तो रही है, हड़दर्द मुझे किसी चीज़ की तो खुशबू आ रही है, बेहतरीन खुशबू, अब या तो वो खाने की है या किसी पौधे वगैरह की है, लेकिन बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, और मैं पॉजिटिवली ये सोच के चल रहा हूँ कि वो खाने की खुशबू, मतलब आसपास कुछ है।
टैक्सी। ऐसा zigzag रास्ता है भाई, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। चलो थोड़ा सा कम उम्र का अपने कार्डियो का थोड़ा बेनिफिट उठाया जाए, देखा जाए और घर वालों को अंदाज़ा दिया जाए कि हाँ हम पास हैं। भाई इस पॉइंट पर आके थोड़ी उम्मीदें टूटी मेरी, क्योंकि ये पॉइंट पर रास्ता है, पता नहीं कैमरा ढंग से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट एक लौता रास्ता वही है यहाँ से, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, वही रास्ता, और रास्ता टॉप पे जा रहा है भाई, वो रास्ता टॉप पे जा रहा है। घर वालों को खुशखबरी देनी थी, अभी एक शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ। क्या बोल रहे वो देखो अम्मे, वो रास्ता है, कहाँ से जा रहा है? यहाँ से तो। अरे वो ग्रुप आ तो रखा है, अगर ये दयारा बुग्याल होता वो भी तो होते हैं। सर जी आप आ जाइए, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये जो रास्ता दिख रहा है जहाँ तक, मैं ऊपर जा रहा हूँ, घर वाले यहाँ रेस्ट करेंगे, और अगर रास्ता सही हुआ तो मैं घर वालों को बुला दूंगा। फोन कर देना, फोन चलो, मैं आवाज़ मार दूंगा, यहीं से दिख जाऊंगा मैं आपको, ठीक है? रन दो यार, हाँ वो नज़ारा देखो, आई बिलीव दयारा बुग्याल से ये नज़ारा और क्लियर दिखेगा। चलो इसी उम्मीद में कि अपन एकदम सही रास्ते पे ये चढ़ाई भी चढ़ लेते हैं, रास्ता तो यही है। आप आ रहे हो? मम्मी आ रही है, सुनिए भाई कैमरे में पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट वो एक छोटा सा गाँव है जहाँ घर ही घर बने हुए हैं, टेरेस फार्मिंग हो रखी है, और ये गाँव कुछ वैसे ही लग रहा है जहाँ से हम आए, वही देखो कुछ ज़्यादा ही दूर है। एनी हो फटाफट से चलते हैं ऊपर जाके देख के आते हैं यार कि कितना दूर है और बचा हुआ, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है पहुँच गए हैं। कुछ ऐसा सा नज़ारा दिखेगा आपको, ये शायद से वॉशरूम बना रखा है, और आगे की साइड कुछ मचान टाइप भी दिखे हैं मुझे, वो देख रहा हूँ छानी टाइप, इसका मतलब हम पहुँच गए हैं। ऐसा कुछ है बुग्याल, इधर हाइट पे जाके सामने का अच्छा व्यू आएगा, लेट्स गो फटाफट चलते हैं फटाफट। जब आपको अपना फाइनल चेक पॉइंट दिख जाता है ना, तो अपने आप अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्या हर्ष, थैंक गॉड वी आर हियर। एक और बहुत ही खतरनाक सी चीज़ दिखाई दी है, मतलब चील कौवे वगैरह लाते होंगे, कौवे तो पता नहीं बट चील वगैरह लाती होंगी, ये देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं भाई, और ये किसी अच्छे खासे बड़े जानवर की है, स्मेल भी आ रही है यहाँ से। ओ भाई ये तो कुछ अलग ही चीज़ लग रही है, इसको खाया किसने होगा? यहाँ तो दूर दूर तक चील वगैरह भी नहीं दिखाई दे रही है भाई, तो यहाँ हो सकता है जानवर हो। ओ भाई ये पता नहीं क्या है, बकरा है शायद, स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, बट दिखाई देते हैं, रीसेंट है क्योंकि मक्खियाँ अभी भी लगी हुई हैं इसमें, और अभी भी इसमें थोड़ा बहुत मांस दिख रहा है, लाल लाल खून भी दिख रहा है।